बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज डिस्कस करते हैं अदबी इस्तलाहात के सिलसिले को लेकर के। तो काफ़ी दिनों से जो है ना इस पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो आज एक अदबी इस्तलाह को लेते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्लास्क। बर्लास्क ये होता क्या है? बर्लास्क ये दरअसल किसी जो ड्रामा होता है या कोई गनाइया या गीत वगैरह या कोई ओपरा है, तो उसकी एक ऐसी नकल होती है जिस पर इस्ताज़ा यानी किसी को मज़ा या तंज़ो मज़ा का निशाना बनाने का गुमान होता है। तो बर्लस्क का जो लहजा है वो पैरोडी होती है किसी की नकल उतारना, तो उससे ज़्यादा ज़ोरदार और खुला डुला। तो बर्लस्क का बुनियादी ताल्लुक जो है वो स्टेज के साथ है। तो इसका मकसद होता है नाज़रीन को तफरी फराहम करना और उसके साथ साथ किसी ड्रामा नगार की जो है जो हम असर ड्रामा नगार है उसकी उसका मजाक उड़ाना या मजाक उड़ाने की कोशिश करना। तो बर्लस्क के नमूने हमें स्टेज के अलावा भी नज़र आते हैं। अगर हम इंग्लिश में रेप ऑफ द लॉक को देखें जो पॉप ने लिखी थी, तो रेप ऑफ द लॉक, तो हमारे पास ये बेहतरीन नमूना है बर्लस्क का, जिसके अंदर जो वाज़े तौर पे जो है ना वो मजाक उड़ाया गया उस दौर की जो रवायात थी उनका भी, और साथ साथ जो है इसको एक मॉक एपिक के तौर पर जो है ना उसको पेश किया गया। तो उम्मीद है आपको बर्लस्क के जो है ना वो मीनिंग समझ में आ गए होंगे। इसको दोबारा दोहराते हैं कि कोई ड्रामा है या कोई गनाइया यानी कोई गीत वगैरह है या कोई ओपेरा है, तो उसकी जो पुरगलू नकल है या उसकी नकल उतारना या किसी ड्रामा नगार का मजाक उड़ाना, तो ये बर्लास्क है। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।